हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष भारद्वाज और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक्निकल क्रिएटर में। दोस्तों, मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप कर सकते हो अपने नॉर्मल से फ़ोन को बिल्कुल बहुत ही बड़ा चेंज। दोस्तों, आज के टाइम में आपने देखा होगा ये फ़ोटो वो फ़ोटो, बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए बोके इफेक्ट, पोर्ट्रेट मोड। तो जितनी भी इस फ़ोन की कंपनियां हैं वो इस टाइम फोकस कर रही हैं पोर्ट्रेट मोड एंड फुल व्यू डिस्प्ले पे। तो दोस्तों, जैसे पोर्ट्रेट मोड होता क्या है, आप कोई भी नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करते हो अपने कैमरे से तो उसका बैकग्राउंड डेप्थ हो जाता है एंड आपकी फ़ोटो क्लियर आती है, जिसको बोलते हैं पोर्ट्रेट मोड। बहुत सी कंपनी जैसे आपका वीवो, हॉनर, ये सब इसको नाम दिया है इन लोगों ने बोके इफेक्ट। बोके का अर्थ है आपका मीन्स है बैकग्राउंड आपका ब्लर एंड जो आपका ऑब्जेक्ट है फोकस आपका उस पर होता है। जैसे आपका हॉनर का 7X 9 लाइट एंड जो इस टाइम टॉप पे चल रहा है थोड़ा सा रेडमी का A1। बहुत से हमारे फ्रेंड्स यूज़र, मैंने उनसे पूछा कि आप फ़ोन क्यों ले रहे रेडमी A1, तो उनका सीधा सा सिंपल सा जवाब था डुअल कैमरे को। मैंने उनसे डुअल कैमरे का यूज़ पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि फ़ोटो क्लिक करने में बैकग्राउंड ब्लर रहता है एंड फ़ोटो क्लियर आती है, जो मोड इस टाइम काफ़ी चल रहा है। तो दोस्तों, मेरा सिंपल सा कहना है कि आप अगर फ़ोन चेंज करना चाह रहे हो या आप चाह रहे हो कि आपका जो नॉर्मल फ़ोन है किसी भी कंपनी का, सैमसंग, वीवो, ओप्पो या आपका हॉनर या आसूस ज़ेनफोन मैक्स, कोई भी आपके पास मॉडल है A2Z, आप उस पर चाह रहे हो कि आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाए एंड फ़ोटो क्लियर हो जाए आपके उस नॉर्मल फ़ोन से, तो करना क्या, आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ करनी है। दोस्तों, आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है फैबी एप्लीकेशन। आप जब डाउनलोड करते हो दोस्तों, तो इसमें आपका यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन आ गया आपका सारा। फ़ोटो का ऑप्शन आते ही आपको करना क्या है, यहाँ पे एक नॉर्मल थी फ़ोटो आपको कोई थी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो ये आपको यहाँ पे क्रॉप कर लेनी है। क्रॉप करने के बाद आपको इसको सेव करना है। सेव होने के बाद दोस्तों, ये आपका कुछ इस टाइप में एप्लीकेशन आ जाएगी आपको। जैसे मुझे करना है अपने बैकग्राउंड को ब्लर, तो दोस्तों मैं गया बैकग्राउंड पे, यहाँ पे तीन ऑप्शन आता आपका, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैं गया, मुझे नॉर्मल ब्लर करनी, मैं नॉर्मल ब्लर कर सकता हूँ। मुझे बी नंबर ब्लर करनी, बी पे करना है। मैं सी पे करता हूँ, सी पे ब्लर, मैं इसको करता हूँ। दोस्तों, ये तो हो गया आपका बोके इफेक्ट। अब मुझे करना है कि अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो वहाँ मैं आता हूँ फन में। यहाँ पे बहुत सारे लाइव आपके इफेक्ट दिए हुए, ये इस टाइप में आप यहाँ से इसको बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मुझे ये IM लकी नाम से किसमें दिया हुआ है, सपोज करें मैंने उसको लगाया, ये देखिए आप, ये आपका मास्क ऐड करने का ब्यूटी का एक ऑप्शन दिया हुआ। ब्यूटी का ऑप्शन में क्या है, ये गर्ल्स के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी यूज़फुल होगा। यहाँ पे आप इस टाइप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। आई थॉट आपको एप्लीकेशन ये पसंद आई होगी, तो दोस्तों यूज़ करें इस फैबी एप्लीकेशन को। एंड अगर चेंज करना चाह रहे थे फ़ोन या जिनमें जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहे महंगा फ़ोन, तो उनके लिए भी ये एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल है। इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। अगर पसंद आई हो मेरी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों, प्रेस करें बेल के आइकन को। बेल के आइकन को आप प्रेस करते हो तो हमारी जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक आता रहता है। थैंक्स फॉर टेक्निकल क्रिएटर। एंड मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप जैसे नीचे जाओगे आपका इस वीडियो का लिंक एंड आपका इस एप्लीकेशन का लिंक होगा, उसको आप जैसे ही ओपन करते हो हमारा एक पेज ओपन होगा एंड उस पर आप ये एप्लीकेशन नॉर्मल डाउनलोड कर सकते हो। आई थॉट हमारे जो फ़ोन यूज़र्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो पुराने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं लावावा के या माइक्रोमैक्स के, तो वो भी नॉर्मल सी एप्लीकेशन को फ़ोन में डाल के ये DSLR कैमरे का इफेक्ट ले सकते हैं। फ़ोन करने की चेंज करने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल क्रिएटर।